अरे वाह, थ्री डूम का कितना अच्छा वीडियो है। कभी कभी चलो एक नया वीडियो है, हम वो देखते हैं। अरे अभी मैं थ्री टूम्स का नया वीडियो देख रहा हूँ, वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, फिर बाद में देख लेंगे। नहीं कबीर, हम वही वीडियोस देखेंगे। पर मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं ये वाला वीडियो देख के अपन दोनों वही देख लेंगे ना। अच्छा ठीक है, तुम यही देखते रहो और आज के बाद मुझसे बात भी मत करना। हेलो पाजी, आपका चांस। ये पाजी आपके सिक्स आया, आपको साफ कर देगा, साफ कर देगा आपको। 1 2 3 4 5 6 ये बाजी गई नीचे, बाजी गई नीचे, ये। नहीं ब्राई, मैं नहीं मानूंगी, मेरे सिक्स आए हैं, मैं दोबारा चलूंगी। नहीं नहीं, ऐसे तो भी ना होता आज। नहीं, हर बार आप ऐसे ही करती हो। ठीक है, अब मैं नहीं खेल रही तुम्हारे साथ। मम्मी मम्मी, आज मुझे मारनी है। अच्छा, मैं अभी डांट लगाती हूँ बाजी को। एक्सक्यूज मी मैम। यस प्लीज कम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट। थैंक यू मैम। मिसेज आफरी, ओके। समरा नहीं आई है मैम, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा मैम, कैसे किया उसने एग्जाम्स में? परफॉर्मेंस ठीक थी, सारे पेपर अच्छे करे हैं। ओके मैम, बट मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी मैम। समरा के लिए काफ़ी कंप्लेन टीचर्स ने भी करी है मुझे, और मैं उसका बिहेवियर भी काफ़ी दिनों से देखती हूँ, बहुत रूडली बिहेव करती है बच्चों के साथ भी, और कुछ जवाब भी मतलब अजीब स्ट्रेंथ देती, समझ में नहीं आता मुझे आजकल। और मैं उसका बिहेवियर भी काफी दिनों से देखती हूँ, बहुत रूडली बिहेव करती है बच्चों के साथ भी, और कुछ जवाब भी मतलब अजीब स्ट्रेंथ देती। बात मैंने भी नोटिस की एक्चुअली, घर पे भाई बहनों के साथ भी उसका थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहती है और अजीब से जवाब दे देती है। एक्चुअली मैं भी शॉक हो जाती हूँ कई दफा कि ये कैसा उसका बिहेवियर है। आप बताइए मैम क्या करें। वेल आप घर पे उस पर पूरा ध्यान रखिए, हम लोग भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। मैंने भी सारी टीचर्स से बोला है कि ध्यान रखें उसकी तरफ सारे, उसको हमने प्यार से भी सब समझा दिया है। आपने मुझे बताया, उसके लिए आपका थैंक यू। okay. और मैं भी कोशिश करूंगी कि घर पे वो सही से बिहेव करे सब जगह, और आप भी प्लीज उसको थोड़ा ध्यान। ओके थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। समरा जी, मम्मा आओ बैठो मेरे पास जी। चलो एक गेम खेलते हैं। ये पेंसिल लो, एक लाइन ड्रॉ करो। अभी से इरेज करो। नाउ ये कलर लो, इससे एक लाइन ड्रॉ करो। अभी से इरेज करो। मम्मा ये कलर है, इसकी लाइन इरेज नहीं होगी। कोशिश करो। देखा, मैंने कहा था ना आपसे इसकी लड़ाई होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास इनाया आई थी अभी रोती हुई, उसने मुझसे तुम्हारे वाले में कहा कि बाजी ने मुझे मारा, और फिर उससे पहले इब्राहिम आया था कि बाजी ने, हम दोनों गेम खेल रहे थे सांप सीढ़ी का, उसने पूरे गेम को वो बाजी फेंक कर चली गई। तब कबीर मेरे पास आया था, उसने कहा कि समरा ने वीडियो के चक्कर में से लड़ाई की। तो बेटा आज मैं तुम्हारे पीटीएम में गई थी, वहाँ भी मेरे तुम्हारी टीचर से तुम्हारे लिए शिकायत की कि समरा का जो बिहेवियर है बहुत रूड हो चुका है, और वो उसके फ्रेंड से टीचर्स से बहुत मिसबिहेव करती है, रूडली जवाब देती है। तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो और इसे समझने की कोशिश करो। जिस तरह से तुम्हें मैंने ये गेम खिलाया और पेंसिल से लाइन इरेज करने को कहा, तो वो जल्दी से इरेज हो गई, लेकिन जब तुमने कलर से इसको ड्रॉ किया तो ये इरेज नहीं हो पाई। इसी तरीके से तुम्हारी जो बैड हैबिट्स हैं वो अभी पेंसिल की तरह हैं, जिस पेंसिल की लाइन की तरह हैं, वो धीरे 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 वो इरेज होती जाएंगी। लेकिन अगर एक बार तुम्हारे अंदर बैड हैबिट्स जम गई और वो पूरी तुम्हारे अंदर आ गई, तो उनको इरेज करना, उनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो धीरे 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 आप अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ने की कोशिश करो, इन्हें आप छोड़ो। सॉरी मम्मा, अब मैं आपकी सारी बातें मानूंगी और किसी से रूडली बिहेव भी नहीं करूंगी। मैं अपने मैम को और अपने फ्रेंड्स को भी सॉरी बोल दूंगी स्कूल जाके। थैंक यू। ये हुई ना अच्छी बेटी वाली बात। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। बाय बाय।